हेलो फ्रेंड्स, आज हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे डिफरेंशिएशन के, जो एनडीए एग्ज़ाम में बार बार रिपीट होते रहते हैं, और जहां शॉर्ट मेथड लगेगा वहां हम शॉर्ट मेथड भी लगाएंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। फर्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है बाय इक्वल टू साइन इनवर्स 4x अपॉन 1 प्लस 4x का स्क्वायर। तो हमें डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो 4x प्लस 4x स्क्वायर है, तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं? साइन इनवर्स 2 इंटू 2x लिख सकते हैं 4x को, और ये 1 प्लस 2x का होल स्क्वायर। तो अब तक तो आपको समझ में आ चुका होगा कि इसका फॉर्मूला बनना है, ये बनना है 2 tan इनवर्स 2x का। जब ये इसके इक्वल है, फंक्शन इसके इक्वल आ गया, तो डेरिवेटिव क्या होगा? 2, और tan इनवर्स x का क्या होता है? 1 प्लस x स्क्वायर, तो 1 प्लस 2x का होल स्क्वायर, और 2x का कितना होगा? 2। तो ये आएगा 4 अपॉन 1 प्लस 4x स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट का आंसर। सेकंड में चलते हैं। साइन स्क्वायर x हमें एक फंक्शन दिया है बाई, और हमें x दिया है, तो बाई को विद रेस्पेक्ट टू x हमें डेरिवेटिव निकालना है, बाई का विद रेस्पेक्ट टू x। तो इस ऐसे क्वेश्चनों को आप पहले बाई का निकाल लो। बाई का कितना आएगा विद रेस्पेक्ट टू x? डायरेक्ट 2 साइन x आएगा, और साइन x का cos x। ऐसे ही नीचे cos स्क्वायर x का 2 cos x, और cos x का कितना होता है? माइनस साइन x। तो ये सब इक्वल है, कट जाएगा, तो ये कितना आएगा? माइनस 1। सेकेंड भी हो गया हमारा। अब थर्ड को करते हैं। थर्ड दिया हमें y इज इक्वल टू log अंडर रूट 10x। तो dy बाई dx निकालना है हमें x इज इक्वल टू पाई बाई 4 पर। तो log अंडर रूट 10x है, तो log x का कितना होता है? 1 अपॉन x। तो 1 अपॉन अंडर रूट 10x, और 1 अपॉन रूट x का कितना होता है? 1, ये रूट x का क्या होता है? 1 अपॉन 2 रूट x। 1 अपॉन 2 अंडर रूट 10x, और 10x का क्या होगा? sec स्क्वायर x। x इज इक्वल टू पाई बाई 4 रखेंगे, ये भी 1 हो गया, ये 1 हो गया, तो हाँ 2 रह गया। और sec स्क्वायर पाई बाई 4, sec स्क्वायर पाई बाई 4 का मान 2 होता है, तो 2/2 आ गया, तो आ गया 1। अब हम नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट दिया हमें x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 कोई फंक्शन है, देयर एग्जिट्स अ पॉइंट c इन इंटरवल 2 से 4, क्लोज इंटरवल है, सच डैट f डैश c इज इक्वल टू 0। तो अब f डैश x निकाल लेते हैं हम। सबसे पहले कितना होगा? 2x माइनस 6। अब इसमें f डैश c रखेंगे हम, तो ये हो जाएगा 2c माइनस 6, और इसकी वैल्यू कितनी दी है? 0। तो c की वैल्यू कितनी आएगी? 6/2, 3। तो बस c की वैल्यू पूछ रहा है, तो हो गया सिंपली। अब इसे करते हैं हम, 2x³ माइनस 3y² इज इक्वल टू 7 dy/dx पूछ रहा है। इम्प्लिसिट फंक्शन है एक्स वाई आपको दिख रहा है, तो मैंने ऐसे क्वेश्चनों को आपको करना बना, मैंने एक वीडियो बनाई थी उसमें बताया था कैसे करते हैं डायरेक्ट। dy/dx क्या होगा इसका? पहले विद रेस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव करते हैं, तो 3 × 2 = 6x² आएगा, और y को हम कांस्टेंट लेके चलते हैं, तो इसका 0 आ गया। फिर y के रेस्पेक्ट में करते हैं, और x को कांस्टेंट मानते हैं, तो x का करेंगे तो 0, और हाँ माइनस भी आता, तो माइनस इसका कितना आएगा? 3 × 2 = -6, और y स्क्वायर एक पावर कम हो जाएगी, तो y आ गया, तो -6 से -6 गए, तो आंसर कितना आया? x² / y। नेक्स्ट क्या दिया हमें? डेरिवेटिव ऑफ मॉडुलस एक्स एट एक्स इज इक्वल टू 0। अभी कभी भी आपको मॉडुलस एक्स दिया हो और एक्स इज इक्वल टू 0 पर वो क्या होता है? डज नॉट, उसके जो डेरिवेटिव है वो डज नॉट एग्जिट होता। अगर आपको कोई ऐसे दे दे मॉडुलस एक्स माइनस 2 एट एक्स इज इक्वल टू 2, अगर आप इसमें 2 को रखेंगे तो ये क्या बनेगा? 0। तो ये भी डज नॉट एग्जिट आएगा। ऐसे कोई भी वैल्यू कर दे और मॉडुलस के नीचे अंदर, मॉडुलस के अंदर 0 बनना हो, तो वो डज नॉट एग्जिस्ट होगा। तो इसका जो आंसर होगा, डेरिवेटिव जो होगा इसका dy/dx, वो आएगा डज नॉट एग्जिट। नेक्स्ट दिया हमें y इज इक्वल टू साइन ऑफ साइन x, इसका डिफरेंशिएशन करना है, तो सिंपली हो जाएगा y डैश साइन का कितना होता है? कॉस साइन x, और साइन x का क्या होता है? फिर कॉस x। तो ये हमारा आंसर हो गया। फिर नेक्स्ट दिया हमें डेरिवेटिव ऑफ एक्स माइनस 1 एट एक्स इज इक्वल टू 2। ऐसे क्वेश्चनों में सबसे पहले आपको वैल्यू रखनी है,
एक्स की जगह टू रखोगे, टू में से बन गया वन। तो हमें अगर पॉजिटिव मिल रहा है तो हम फंक्शन को मानेंगे पॉजिटिव, तो बाई इज इक्वल टू एक्स माइनस वन बन गया फंक्शन। तो अब इसका डेरिवेटिव क्या होगा, डी वाई बाई डी एक्स, एक्स का वन हो गया, वन का जीरो। नेक्स्ट दिया हमें इफ जेड इज इक्वल टू एफ ऑफ एफ एक्स और एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो डी जेड वाई डी एक्स निकालना है हमें। तो सबसे पहले हमें जेड को क्या लिखेंगे, एफ एफ ऑफ एफ एक्स को एफ एफ एक्स, तो ये एफ 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 एक्स की वैल्यू एक्स स्क्वायर, और एफ को हम एफ एक्स था एक्स स्क्वायर में रखेंगे तो एक्स स्क्वायर में एक्स स्क्वायर रखेंगे तो एक्स की पावर फोर। अब बस इसी का डेरिवेटिव करना विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो डी जेड अपॉन डी एक्स कितना होगा, फोर एक्स क्यूब। नेक्स्ट है हमें कंसिडर द कर्व एक्स इज इक्वल टू ए कॉस थीटा प्लस थीटा साइन थीटा और बाई ए, तो डी वाई बाई डी एक्स निकालना। तो डी वाई बाई डी एक्स के लिए पहले हम बाई का डेरिवेटिव लेंगे, बाई का डेरिवेटिव ए कॉन्स्टेंट साइन थीटा का, ये आ रहा है हमारा डी वाई अपॉन डी थीटा, डी वाई बाई अपॉन डी थीटा ए कॉन्स्टेंट है साइन थीटा का कॉस थीटा, और माइनस थीटा कॉस थीटा, तो थीटा को कॉन्स्टेंट लेंगे कॉस थीटा का, माइनस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, क्योंकि ये तो फिर थीटा का वन हो गया, ए कॉन्स्टेंट है कॉस थीटा, ये माइनस अंदर जाएगा माइनस कॉस थीटा कैंसिल हो जाएंगे, तो ए थीटा साइन थीटा आ गया। ऐसे ही अब डी एक्स अपॉन डी थीटा निकाला जाएगा, तो ए कॉन्स्टेंट है कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा प्लस थीटा साइन थीटा का कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, क्योंकि थीटा का वन। अब ये कितना आएगा, ये माइनस साइन थीटा है प्लस का साइन थीटा, ये कट जाएंगे तो ए थीटा कॉस थीटा। तो अब डी वाई बाई डी एक्स क्या आएगा, इसको इससे डिवाइड देंगे, ए थीटा साइन थीटा अपॉन ए थीटा कॉस थीटा, तो कितना आ गया टेन थीटा। अब डी स्क्वायर अपॉन वाई अपॉन डी स्क्वायर एक्स निकालना है, तो टेन थीटा हमारा आ चुका है, तो टेन थीटा का डेरिवेटिव क्या होगा, सेक स्क्वायर थीटा, और डी थीटा अपॉन डी एक्स, क्योंकि विद रेस्पेक्ट टू एक्स करना बच्चे यहाँ बहुत गलती करते हैं। तो सेक स्क्वायर ये थीटा था हमारा, सेक स्क्वायर थीटा, और डी थीटा अपॉन डी एक्स की वैल्यू यहाँ से आएगी, डी एक्स अपॉन डी थीटा, इसका अपोजिट करेंगे तो वो आ जाएगी, इसका इन्वर्स कितना आएगा, वन अपॉन ए थीटा कॉस थीटा, तो ए कॉस थीटा ऊपर जाएगा तो सेक थीटा हो जाएगा, तो सेक क्यूब थीटा अपॉन ए थीटा, ये आ गया हमारा डबल डेरिवेटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमें कंसिडर डी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर फोर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। आप इसे सॉल्व करने बैठेंगे तो बहुत लंबा जाएगा, इससे एक डायरेक्ट मेथड, आपको इसकी वैल्यू याद रखनी है, एक्स की पावर फोर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वन जो खुलता है वो खुलता है हमारा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन। तो अब यहाँ से आप सॉल्व करेंगे ये प्लस, तो यहाँ से इसकी जगह इसको रख देंगे आप, ये फिर यहाँ कट जाएगा, तो डेरिवेटिव किसका बचेगा, डी वाई बाई डी एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन का, तो ये कितना आएगा टू एक्स माइनस वन, और हमें ए एक्स प्लस बी दिया था, तो ए का मान कितना आ गया टू और बी का मान कितना आ गया माइनस वन। बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, थैंक यू।